दोस्तों, यस बैंक कंपनी का जो शेयर का प्राइस का टारगेट होगा ना कल के डेट में, तो मेरा दोस्तों ये कल अगर ज़्यादातर इंक्रीज हो जाए तो ये श्योर है कि कल 15 रुपीज़ को ये टच नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो आज का दिन का अगर कहा जाए तो देख सकते हो कि यह जो कंपनी है ना, ये मार्केट ओपन हुआ था बहुत ही नीचे, उसके बाद ये बहुत ही ऊपर गया था, उसके बाद बाउंस बैक करके यहाँ पर भी गया है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में यहाँ पर ओपन होकर ऊपर गया था, उसके बाद बहुत ही नीचे गया था, और उसके बाद इसका प्राइस बहुत ही ऊपर गया, उसके बाद दोबारा नीचे गिर गया था, और उसके बाद भी ऊपर गया है। ठीक है, तो ये कैंडलस्टिक देखकर अगर कहा जाए तो मेरे दोस्तों, तो इससे यही पता चलता है कि आज के दिन में इस कंपनी का शेयर को बाय करने के लिए भी बहुत सारे लोग आए थे और सेल करने के लिए भी बहुत सारे लोग आए थे। ठीक है, और इसका अगर आज का दिन का वॉल्यूम भी कहा जाए तो बहुत ही अच्छा वॉल्यूम हुआ है इसका। ठीक है, तो मेरे दोस्तों अगर देखा जाए तो देख सकते हो कि इस कंपनी का जो शेयर है ना, इस कंपनी का शेयर का प्राइस प्रेजेंट टाइम में ये क्लोज हुआ है जो 13 रुपीज़ 80 पैसा। ठीक है, तो उसके बाद भी ये लगातार एवरी डे बाउंस बैक करता है, पर दोबारा उसी रेंज में ही क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो पास्ट डे जो था उस डेट का ही प्राइस से ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये देखा जाए तो देख सकते हो कि आज के दिन में इसने कितना रिटर्न दिया है, 0% रिटर्न दिया है। पर आज के दिन में इस कंपनी का शेयर को ट्रेडिंग करके, इंट्राडे ट्रेडिंग जिन लोगों ने किया है, उन लोगों ने तकरीबन आज के दिन में 2% 1% से भी ज़्यादा इससे प्रॉफिट कमा कर मार्केट से निकल गए हैं। ठीक है, ये कंपनी का शेयर ने दिया है रिटर्न 0%, पर उसके बाद भी अप डाउन तो किया था ना, जिसके वजह से कंपनी का जो इन्वेस्टर है, जो ट्रेडर थे, इस कंपनी का शेयर को फोकस करके ट्रेडिंग कर रहे थे, उनका अच्छा खासा बेनिफिट हो गया है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों इस कंपनी का जो शेयर है ना, ये बहुत ही वीक शेयर है, पर उसके बाद भी उसका जो एनपीए है ना, वो भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। ठीक है, जिसके वजह से आने वाले टाइम में इस कंपनी का शेयर का प्राइस और भी ज़्यादा बहुत ऊपर जाने का चांसेस है, तो आप लॉन्ग टाइम के लिए इसमें होल्ड करके रख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद भी ये बहुत ही लोन पर है, बहुत ही कर्जे पर है, और कहा जाए तो ये बहुत ज़्यादा लॉसेस पर है। ठीक है, तो ये कंपनी खुद अपने लिए ही कमा नहीं पा रहा है, तो हमारे जैसे इन्वेस्टर के लिए क्या कमा लेगा। ठीक है, तो अगर अभी के टाइम पर इसमें इन्वेस्टमेंट करो तो मैं यही कहूँगा कि पैसे का जो आपका पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट होगा तो उसका हिसाब ही छोड़ देना। ठीक है, तो उसके बाद ही आपका हो सकता है बेनिफिट हो जाए। ठीक है, तो अगर आपने हिसाब पर ये रखोगे कि इतना पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट किया है आपने, तो मेरे दोस्तों समझ लो कि आपका पैसा डूब गया। ठीक है, तो पैसा नहीं मिल भी सकता है, पर उसके बाद भी ये कंपनी बाउंस बैक कर लेगा, क्योंकि ये एक दिन Nifty 50 पर भी बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस किया था। ठीक है, तो अगर कल मार्केट ओपन हो तो इस जो कैंडलस्टिक है ना मेरे दोस्तों, तो ये कैंडलस्टिक से यही अंदाज़ा लगाया जाता है कि कल मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडलस्टिक है ना, हेमर कैंडलस्टिक जो है, ये कैंडलस्टिक यही रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट कल ओपन होने के बाद ही थोड़ा ऊपर की ओर जा सकता है, और उसके बाद थोड़ा ऊपर जाकर हो सकता है बाउंस बैक कर ले, और उसके बाद दोबारा गिर जाए, उसके बाद और भी ऊपर जा जाए। ठीक है, तो ये कोई भी चीज़ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो कंपनी है ना, इसका शेयर का प्राइस का कोई टारगेट नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, क्योंकि ये एवरी डे 0% ही रिटर्न देता है, पर उसके बाद भी इस कंपनी का शेयर का बायर मिलते हैं मेरे दोस्तों। बहुत सारे पेनी स्टॉक है जिन कंपनी का शेयर को अगर आप सेल करोगे तो बायर मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इस कंपनी पर लोग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, तो ये एक चीज़ है कि आप इस कंपनी का शेयर से इंट्राडे ट्रेडिंग करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। ठीक है, तो आई होप
आपने समझ लिया कि इस कंपनी का शेयर का प्राइस का टारगेट कितना हो सकता है।